तो झारखंड सरकार ने राज्य के नौजवानों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों से जोड़ने का सिलसिला लगातार जारी रखी है। पहले तो सरकारी विभागों में लोगों को जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब सरकार की पहल से 9 ऐसे भारी कंपनियों को स्थापित किया जा रहा है, जिससे झारखंड वासियों को एक सुनहरा मौका दिया जा सके। झारखंड वासियों को अपने गुजर बसर करने के लिए पलायन करना पड़ रहा था, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से 9 बड़े कंपनियों को 11,672 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है। स्टील और एथेनॉल जैसी कंपनियों को मंजूरी मिली है, इससे हजारों नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने बताया है कि पूर्ववर्ती सरकार में जो भी कंपनियों का जीर्णोद्धार किया गया था, उसे भी शुरू किया जाए, जिससे झारखंड के नौजवानों को रोजगार मिले। देखिए, हेमंत सरकार जो है, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कृत संकल्प है और बहुत सक्रिय है। तो बाहर से कंपनियों को लाया जा रहा है और यहाँ उनको पदस्थापित करने के लिए रोजगार सृजन करने का काम कर रही है। लेकिन जो पूर्व में भी हम लोग का जो बहुत सारे कंपनी थे, उन कंपनियों को भी हेमंत सरकार को ध्यान में रखकर उनकी जीर्णोद्धार का काम करना होगा, ताकि उससे और ज़्यादा रोजगार पैदा हो और आने वाला कंपनी भी रोजगार पैदा करेगा, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा, यही हमारा मानना है। वहीं विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि झारखंड में उद्योग धंधे बढ़ाना अच्छी पहल है, लेकिन झारखंड में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कई ऐसे कंपनियों को लाने का पहल किया गया था, जिसे वर्तमान सरकार वीरान छोड़ने का काम कर रही है। साथ ही आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि इस राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इससे तो संशय ही लगता है कि इस राज्य में कुछ बेहतर हो पाएगा। देखिए, राज्य में उद्योग धंधे लगे अच्छी बात है, और निवेश के लायक माहौल बने, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, निवेशकों का भरोसा राज्य सरकार पर हो, तो मैं समझता हूँ कि पलायन की समस्या पर थोड़ी रोक लगेगी। लेकिन झारखंड सरकार के जो क्रियाकलाप हैं, वो मुख्यमंत्री मुंबई गए थे, मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ गए, रोड शो किया, उद्यमियों से बात की, लेकिन जब तक यहाँ के अंदरूनी हालात नहीं सुधरेंगे, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उग्रवादी जिस तरह से आए दिन चुनौती देते रहते हैं जो यहाँ के ठेकेदार हैं या जो लोग विकास के काम में लगे हुए हैं, तो एक माहौल नहीं बन पा रहा है, इसलिए निवेशकों का भरोसा झारखंड की सरकार पर नहीं है। इसलिए संदेह इस बात पर है कि उद्यमियों से बातचीत तो हो रही है, सरकार प्रयास भी कर रही होगी, लेकिन कोई निवेशक यहाँ पैसा क्यों लगाएगा, क्यों खतरा क्यों मोल लेगा। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि राज्य में युवाओं के लिए रोजगार पर क्या ऐसे ही बयानबाजी होगी, या फिर युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा और राज्य में नौजवानों के रोजगार में सुधार होगा। झारखंड वासियों